हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, भगवत गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 23 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अनुवाद: अर्थात मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। भगवद गीता 10:23। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। पिछले श्लोक से संबंध: पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 12 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जिस समय वे स्वर्ग में गए थे, उस समय उन्होंने अनेक रुद्रों का दर्शन किया था। वे सभी रुद्र अत्यंत तेजस्वी तथा शक्तिशाली हैं। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में उन रुद्रों में से कौन सा रुद्र श्री कृष्ण की विभूति है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि 11 रुद्रों में शंकर जी उनकी विभूति हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। 1. रुद्रों में मैं शंकर हूँ। श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, अर्थात रुद्रों में मैं शंकर हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। ये भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 11 रुद्रों में शिव जी उनकी विभूति है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा एक ही बालक उत्पन्न हुआ था, जिसको ब्रह्मा जी ने रुद्र का नाम दिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई, उस सृष्टि में सर्वप्रथम 4 कुमारों का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। अब जिस समय ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को आदेश दिया कि वे भी अपने शरीर तथा मन से कुछ संतानों को उत्पन्न करें, उस समय 4 कुमारों का मन श्री कृष्ण के चरणों का भजन करने में लगा होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन नहीं किया। अब अपनी अवज्ञा होने के कारण ब्रह्मा जी के मन में क्रोध का संचार हुआ, परंतु ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये 4 कुमार उनके आदेश का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपने मन को लगा रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह क्रोध उनकी भौहों के मध्य से एक बालक के रूप में उत्पन्न हो गया। चूँकि वह बालक जन्म लेते ही ब्रह्मा जी के समक्ष रोया कि ब्रह्मा जी उस बालक को नाम तथा उसके रहने के लिए स्थान बताएं, अतः ब्रह्मा जी ने उस बालक को रुद्र नाम दिया। रुद्र शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जन्म लेते ही रोया हो। उस समय सृष्टि के प्रारंभ में यह पहली घटना थी कि ब्रह्मा जी के शरीर से जो बालक उत्पन्न हुआ वह रो रहा था। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने रुद्र को 11 नाम दिए, 11 पत्नियाँ दीं तथा 11 स्थान दिए। 11 रुद्रों के नाम है मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सर्वप्रथम रुद्र के नाम से एक ही बालक था, परंतु उस बालक ने
अपने 11 विस्तार कर लिए। इस प्रकार 11 रुद्र हो गए। परंतु इन 11 रुद्रों में जो शिव या शंकर नाम के रुद्र हैं, ये मूल रुद्र हैं। इन्हीं शंकर नाम के रुद्र से ही अन्य 10 रुद्रों का विस्तार हुआ है। तो यह स्वाभाविक है कि जो रुद्र सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, उन रुद्र देव की शक्ति तथा क्षमता कुछ अलग ही होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने शिव जी को कृपा पूर्वक कुछ आदेश दिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रुद्रों में शिव जी उनकी विभूति हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने शिव जी को आदेश दिया कि वे सिंह वाहिनी दुर्गा को ग्रहण करें, तथा जिस समय शिव जी ने पत्नी स्वीकार करने में अपनी अरुचि दिखाई तथा श्री कृष्ण का भजन करने में अपनी रुचि दिखाई, उस समय श्री कृष्ण ने हंसते हुए महादेव जी से ये सत्य वचन बोले, हे सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। तुम मेरी कृपा से तपस्वी जनों, सिद्धों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में श्रेष्ठ बनोगे। हे शिव, तुम अमरत्व प्राप्त करो। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, तुम मेरी कृपा से असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। हे शिव, तुम आज से ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और शक्ति में सभी देवताओं से बढ़कर होगे। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। तुम 100 करोड़ कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का पालन करो। तुम प्रकृति दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि शिव जी श्री कृष्ण के महान भक्त हैं तथा उनकी कृपा के पात्र हैं। 2, मैं यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर हूँ। श्लोक के अगले शब्द हैं वित्त ईशह यक्ष राक्षसाम, अर्थात मैं यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर का जन्म विश्रवा मुनि से हुआ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर उनकी विभूति हैं। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 2 और 3 में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जिनका नाम था पुलस्त्य। पुलस्त्य मुनि के पुत्र हुए विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि के पुत्र हुए कुबेर। कुबेर का मन जन्म से ही अत्यंत शांत था। कुबेर ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें पहला वर यह दे रहा हूँ कि तुम लोकपाल बनो। 3 लोकपाल तो पहले से ही हैं, यम, इंद्र और वरुण। अब तुम चौथे लोकपाल बनो। मैं तुम्हें दूसरा वर यह दे रहा हूँ कि तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष बनो। मैं तुम्हें तीसरा वर यह दे रहा हूँ कि तुम्हें तेजस्वी पुष्पक विमान प्राप्त होगा, जिसमें तुम सवारी करोगे। इस प्रकार कुबेर को लोकपाल का पद प्राप्त हुआ तथा वे धन के अध्यक्ष बने। कुबेर ने ध्रुव महाराज को भक्ति का वरदान दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर उनकी विभूति हैं। भागवत के 4th स्कंध के अंतर्गत
अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ युद्ध हुआ तथा ध्रुव महाराज के द्वारा यक्षों का संहार हुआ तथा जिस समय स्वयंभुव मनु के द्वारा समझाए जाने पर ध्रुव महाराज ने युद्ध बंद कर दिया, उस समय यक्षों के स्वामी कुबेर ने ध्रुव महाराज को दर्शन देकर ये शब्द कहे, हे क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि तुमने अपने पितामह मनु के आदेश से वैर भाव को त्याग दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों का संहार किया है और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई की हत्या की है, क्योंकि सृजन तथा विनाश के अंतिम कारण श्री कृष्ण ही हैं। हे ध्रुव, श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें। श्री कृष्ण हमारी इंद्रियों तथा मन से परे हैं, वे सभी जीवों के ईश्वर हैं। अतः तुम श्री कृष्ण की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही सबके अंतिम आश्रय हैं। श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा तुम सांसारिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अपनी तीन गुणों वाली माया से बिल्कुल अलग रहते हैं। हे ध्रुव, मैंने सुना है कि तुम श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम मुझसे आशीर्वाद लेने के पात्र हो। तुम बिना संकोच के मुझसे कोई वर मांग लो। कुबेर के ये शब्द सुनकर ध्रुव महाराज ने उनसे श्री कृष्ण की स्मरण भक्ति का वरदान मांगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुबेर उनकी विभूति हैं। तीन, वसुओं में मैं अग्नि हूँ। श्लोक के अगले शब्द हैं, वसुनाम पावकः च अस्मि, अर्थात वसुओं में मैं अग्नि हूँ। भागवत के छठवें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि प्रचेताओं के पुत्र दक्ष की 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह धर्म देवता से हुआ था। उन 10 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था वसु। इस वसु नाम की कन्या से धर्म देवता के 8 पुत्र हुए, जो अष्ट वसु कहलाए। यद्यपि इन 8 पुत्रों का नाम वसु था, परंतु इनके अलग अलग नाम भी थे, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विभावसु। इनमें से 5वें पुत्र अग्नि सभी वसुओं में श्रेष्ठ हैं। अग्नि देवता ने श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वसुओं में अग्नि देवता उनकी विभूति हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 222 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में श्वेतकी नाम के एक राजा थे, जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक अग्निदेव को घी पिलाया था। इससे अग्निदेव के उदर में विकार हो गया, अग्नि की कांति फीकी पड़ गई, अग्नि का रंग सफ़ेद हो गया। अब उनका प्रकाश उतना नहीं रह गया जितना होना चाहिए। अपनी यह दुर्दशा देखकर अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि यदि अग्निदेव खांडव वन को जलाकर वहाँ रहने वाले सभी जंतुओं का भोजन कर लें तो उनकी पाचन शक्ति पुनः प्रबल हो जाएगी, परंतु अग्निदेव ने 7 खांडव वन को जलाने का प्रयत्न किया, परंतु वहाँ पर इंद्र अपने नियंत्रण में मेघों के द्वारा वर्षा करके अग्नि को बुझा देते थे। अब अग्निदेव जिस समय पुनः ब्रह्मा जी के निकट गए, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जिस समय नर तथा नारायण तुम्हारी सहायता करेंगे, उस समय तुम उस वन को जला सकोगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अग्निदेव बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे तथा जिस समय नर तथा नारायण ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा जिस समय वे दोनों खांडव वन के निकट ही बैठे हुए थे, उस समय अग्निदेव ने अर्जुन तथा श्री कृष्ण से
अपनी आवश्यकता बताई। उस समय अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता की तथा इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को चला सके तथा उनकी पाचन शक्ति प्रबल हुई। अग्निदेव मृगों तथा पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त होकर 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं के मांस खाकर अत्यंत प्रसन्न होकर अग्निदेव ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन से कहा, हे वीर अर्जुन तथा हे श्री कृष्ण, आप दोनों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया है। आप दोनों ने जो कार्य किया है वैसा कार्य अन्य कोई भी नहीं कर सकता था। इस कार्य से आप दोनों की कीर्ति अनंत काल तक इस पृथ्वी पर रहेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 8 वसुओं में से अग्निदेव उनकी विभूति हैं। 4, मैं शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। श्लोक के अंतिम शब्द हैं मेरुः शिखरिणाम अहम्, अर्थात मैं शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। यहाँ पर श्री कृष्ण शिखर वाले पर्वतों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत उनकी विभूति है। हमें समझना चाहिए कि पर्वत 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पर्वत विस्तार में बहुत लंबे तथा चौड़े होते हैं। ऐसे पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं होती है, परंतु ये पर्वत लंबाई में तथा चौड़ाई में बहुत विस्तृत होते हैं। ये तो पहले प्रकार के पर्वत हुए, परंतु दूसरे प्रकार के पर्वत लंबाई चौड़ाई में अधिक विस्तृत न होकर ऊंचाई में बहुत अधिक होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जिस सुमेरु पर्वत की बात कर रहे हैं वह ऊंचाई में बहुत अधिक है। इस पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है। यदि इसके किलोमीटर बनाए जाएं तो यह ऊंचाई 12,00,000 किलोमीटर होगी। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 28 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन उत्तर दिशा में विजय प्राप्त करने के लिए गए थे उस समय उन्हें पर्वतों के स्वामी सुमेरु का दर्शन प्राप्त हुआ, जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। यह परम उत्तम सुमेरु पर्वत महान तेज के पुंज जैसा जगमगाता रहता है और अपने सुवर्णमय कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। यह सुवर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बड़े भयंकर सर्प वहां विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरी सुमेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्ग लोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। कितनी ही नदियां और वृक्ष उस पर्वत शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहां कलरव करते रहते हैं। ऐसे सुमेरु गिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां सब ओर दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्र रत्न वस्त्र आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उन सब से विदा लेकर बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से पश्चिम दिशा की ओर गए। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत उनकी विभूति हैं।
इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, रुद्रयेर मध्य शिव यक्षेर कुबेर पावक से वसु मध्य पर्वते सुमेर। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पावक से वसु मध्य पर्वते सुमेर, अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार आठ वसुओं में अग्नि सर्वश्रेष्ठ है तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी जीवों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्ण। इति